नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्वेस्टमेंट का फंडा चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक शेयर के बारे में यहां चर्चा करूंगा जो कि कम प्राइस का शेयर है और जो कि पिछले 1.5 साल पहले लगभग लिस्ट हुआ था। केमिकल सेक्टर की कंपनी है और अभी अपने हाईएस्ट भाव से यानी कि पिछले 52 वीक्स से यदि हाईएस्ट की बात करें तो उससे काफ़ी टूटा हुआ है और आने वाले समय में आपको अच्छी खासी कमाई करा सकता है। डिटेल में जानेंगे कंपनी के बारे में, आगे क्या इसमें संभावनाएं बन सकती हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पर कुछ वीडियो जरूरी हैं, जैसे कि यदि आप रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट के बीच में क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको जानना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है, तो इसको जाकर जरूर देखिए। दूसरी एक वीडियो है कि आपको अपने लोन कैसे मैनेज करने हैं, हाउ टू मैनेज योर लोन्स। और यदि आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो वहां पर सफलता का मूल मंत्र है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अच्छे से चलाने के लिए आपको कौन से 5 प्रिंसिपल्स यानी कि 5 महामंत्र जानने चाहिए, वो वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, उसको भी जाकर देखिए। और कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हो यानी कि बिफोर योर रिटायरमेंट एज, यानी कि जो भी आपने प्लान किया हुआ है कि आप फ्री होना चाहते हो अपने काम से, मान लो 40 साल में 45 साल में 50 साल में, तो आप कैसे उसको प्लान कर सकते हो, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम की एज, अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हो, प्लस डीमैट अकाउंट को कैसे सुरक्षित रख सकते हो। तो ये जरूरी कुछ वीडियोस हैं जो कि चैनल पर जाकर आपको खाली समय में, जब आपको समय मिले, आप जाकर देख सकते हो और अच्छी लगे तो बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अब चलते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो जो है एक शेयर स्पेसिफिक है, उस शेयर का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का IPO आया था मार्च 2021 में, यानी कि अभी तक लगभग 1 साल 5 महीने हो गए हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक को मार्केट में लिस्ट हुए। इसका IPO आया था 129 से 130 रुपए के प्राइस पर, यानी कि 130 रुपए हायर वाला जो बिडिंग प्राइस होता है उसको हम उसी पर बिड लगाते हैं, तो 130 रुपए इसका जो है IPO प्राइस था। अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक को थोड़े से बिजनेस को समझ लेते हैं। ये जो है इथाइल एसीटेट और जी एसिटिक एसिड प्लस डेक्टाइन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स यानी कि DDP इस सेगमेंट में काम करती है, जो केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं उसमें भी काम करती है। ओवरऑल आउट ऑफ 30 कंट्रीज यानी कि पूरे वर्ल्ड में 30 कंट्री में इसका बिजनेस चलता है और इंडिया में इसके 11 ऑफिस अवेलेबल हैं। तो ये इसका ऑपरेटिंग मतलब सिस्टम है, 30 कंट्री में ऑपरेट करती है, इंडिया में 11 अभी ऑफिस हैं इसके एज पर लेटेस्ट डेटा। अब देख लेते हैं कंपनी का जो शेयर चल रहा है वो किस प्राइस पर चल रहा है, कितना हाईएस्ट गया था, लास्ट तक आपको सारा कुछ बताऊंगा। कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, रिजर्व्स क्या है, बोरोइंग्स क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है, इसका प्रॉफिट लॉस क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, तो सारी चीज़ें देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो कंपनी का अभी करंट प्राइस चल रहा है 341 रुपये प्राइस चल रहा है करंट, हाईएस्ट गया था 1 साल के अंदर इसका 628 रुपये और मिनिमम गया है 274 रुपये। मान लीजिए अभी 1 साल के हाई और लो के बीच में ही शेयर जो है ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, कैसे है वो वीडियो में पूरा देखिए आपको पता लग जाएगा। स्टॉक का PE है 41.3 का और जी बुक वैल्यू है 49.3 की, डिविडेंड यील्ड है 0.21% की। डिविडेंड को देखकर हम कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, यह आपको अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेना चाहिए, ठीक है। ROC 25.6%, ROE 21.9%, ठीक है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है, यानी कि ऑलरेडी स्प्लिट है, लिस्ट होने से पहले ही शेयर स्प्लिट था, आगे भी संभावनाएं हैं क्योंकि फेस वैल्यू जो है कंपनी इसको 1 रुपये तक आसानी से ला सकती है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कंपनी का कंपटीशन कौन कौन सी कंपनी से है, यानी किस सेगमेंट में काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर को देख के ही आपको कंपनी के बारे में अच्छा खासा जो है अंदाजा लग सकता है। तो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो है पिडिलाइट इंडिया, SRF, गुजरात फ्लोरेंस, सोलार इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज और जी टाटा केमिकल्स, लिंडे इंडिया और लास्ट में आ गया बाद में लक्ष्मी ऑर्गेनिक। कंपनी का मार्केट कैप है 9,039 करोड़ का, एक मिड कैप कंपनी है। अब बात करते हैं पिछले 3 सालों में इसकी सेल्स कैसी रही है, जो भी डेटा बताऊंगा वो करोड़ में है। यदि बात करें 2020 फाइनेंशियल ईयर की तो इसकी सेल्स थी 1534 करोड़ की, जो कि 2021 में बढ़कर हो गई 1768 करोड़ की और 2022 में 3084 करोड़ की। और यदि बात करें अभी से करंट मंथ से यानी कि पिछला, अभी तो अगस्त चल रहा है, तो जुलाई से पिछले 12 महीने की ट्रेलिंग 12 मंथ तब इसकी सेल आ रही है 3104 करोड़ की। तो पिछले 3 सालों का डेटा बिल्कुल एकदम ग्रोथ के ट्रेंड में है जो इसका सेल्स का है। यदि बात करते हैं इसके एक्सपेंसेस की तो 1418 करोड़ यानी कि 2020 में थे, उसके बाद 1548 करोड़, फिर 2713 करोड़, यानी कि एक्सपेंस भी रेशियो में बढ़ रहे हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट की यदि बात करते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 2020 में 70 करोड़ का था मात्र, उसके बाद 2021 में 127 करोड़ का हो गया, 2022 में 256 करोड़ का। देखिए कितनी अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने पिछले 3 सालों में दिखाई है, 70 का हो गया 127 करोड़ और 127 करोड़ का हो गया 256 करोड़ और पिछले 12 महीने का 219 करोड़ का जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट है, NPAT है।
अब नेट प्रॉफिट से बाद कंपनी का रिजर्व्स और कंपनी का बोरोइंग्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो कंपनी के यदि रिजर्व्स की बात करें तो 2019 में कंपनी के रिजर्व्स 400 करोड़ के थे, 2020 में घट गए थोड़े से 382 करोड़ के, लेकिन देखिए 2021 में दोबारा से 982 करोड़ के कंपनी के रिजर्व हैं, और 2022 में कंपनी के रिजर्व्स हैं 1248 करोड़, यानी कि 982 करोड़ से बढ़कर 1248 करोड़ हो गए। पिछले 4 सालों में केवल एक बार यानी कि 19 से 20 में कंपनी के रिजर्व्स थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में कंपनी के रिजर्व्स बहुत ही शानदार तरीके से बढ़े हैं। बोरोइंग्स की यदि बात करते हैं, 2019 में 175 करोड़ थी, 2020 में 159 करोड़ की हो गई, और 2021 में 149 करोड़, अभी 2022 में 139 करोड़, यानी कि पिछले 4 सालों में कंपनी की बोरोइंग्स लगातार कम हो रही है और रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बीइंग ए शेयर होल्डर, यदि कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है तो आपके लिए भी ये पॉजिटिव न्यूज है। अब बात करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न समझने से पहले, जैसा कि आपको पता है, इसमें 3-4 चीजें हमें जरूर देखनी होती है। नंबर 1 पर कि प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है, उसके बाद FIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो विदेशी निवेशक हैं, उनके पास कोई शेयर होल्डिंग है या नहीं है, प्लस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी म्यूचुअल फंड हो गए, बड़े हाउस हो गए हमारे इंडिया के, तो उनके पास कुछ होल्डिंग है नहीं है। लास्ट में बचते हैं पब्लिक यानी कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो देख लेते हैं कि प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग दिसंबर 2021 में 72.92% और जी मार्च 2022 में 72.92%, जून 2022 में 72.53%, लगभग 0.39 से शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रमोटर्स का वो कम हुआ है। तो कोई इतनी खास चिंता वाली बात नहीं है, अभी भी प्रमोटर्स के पास 72.53% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास ही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कैसे है वो बाद में चर्चा करेंगे। FIs के पास देखिए दिसंबर 2021 में 0.33%, मार्च 2022 में 0.34%, तो जून 2022 में 0.60%, यानी कि हालांकि हिस्सेदारी तो बहुत कम है विदेशी निवेशकों के पास, लेकिन पिछले 3 महीनों की यदि बात करते हैं, यानी कि दिसंबर 21, मार्च 22 क्वार्टर की है और जून 2022, तो यहां पर पिछले 3 क्वार्टर्स में FIs ने स्लाइटली अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसके बाद आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स यानी कि DIs, दिसंबर 2021 में 3.28% की हिस्सेदारी थी DIs के पास, और जी मार्च 2022 में 3.39% की हिस्सेदारी थी, और जी जून 2022 में 3.22% की हिस्सेदारी DIs के पास अभी है करंट में। तो DIs के पास 3% से ऊपर की हिस्सेदारी है, ये एक अच्छी बात है। बाद में बचती है पब्लिक, पब्लिक के पास दिसंबर 2021 में 23.47% और जी मार्च 2022 में 23.35%, उसके बाद जून 2022 में 23.66%। तो ये तो हो गई कंपनी के फाइनेंशियल्स आपने समझ लिए, कंपनी का बिजनेस आपने समझ लिया, कंपनी के रिजर्व्स, कंपनी की बोरोइंग्स आपने समझ ली, और अंत में हमने समझ लिया कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, प्रमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है, FIs और DIs के पास कितनी हिस्सेदारी है, प्लस पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सबसे पहला तो प्रमोटर्स के पास यदि ज़्यादा कंपनी की होल्डिंग है तो इसका मतलब सीधा सा क्या है कि कंपनी के मालिक ने अपनी कंपनी के शेयर जो है मैक्सिमम अपने पास रखे हुए हैं। इसका मतलब है कंपनी के मालिक को कंपनी के बिजनेस पर भरोसा है, बिलीव है, क्योंकि कंपनी का मालिक खुद कमाना चाहेगा कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मेरे पास ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। नहीं तो जब भी किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न में यदि प्रमोटर के स्टेक में आपको कमी दिखाई देती है आते हुए, तब आप थोड़े अलर्ट हो जाइए कि क्या इसके पीछे का रीज़न क्या है। कई बार तो ऐसा होता है कुछ उनकी रिक्वायरमेंट हो या उनका ऑब्जेक्टिव हो तो 2-4% की हिस्सेदारी बेच देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यदि कंपनी में कुछ गड़बड़ होती है तो 72.52%, लगभग 72% मोटा मोटा मान सकते हैं, उतना नुकसान कंपनी के प्रमोटर्स का कंपनी के मालिक का होने वाला है। सीधी सी बात है, 100 रुपये में से 72 रुपये जो है कंपनी के मालिक के बेकार हो जाएंगे, उसको 72% का नुकसान होगा, बाकी जो बचा इसका उसमें FIs है, DIs है, प्लस हम जैसे पब्लिक भी है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको जरूर नोट करनी चाहिए, कंपनी की शेयर होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, कंपनी के रिजर्व्स अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, कंपनी के शेयर प्राइस में पिछले 1.5 साल में लगभग 130 रुपये से 600 से ऊपर चला गया था, लेकिन अभी भी 341 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो अपने 1 साल के हाईएस्ट से बहुत ज़्यादा गिरी हुई है कंपनी। तो क्या लगता है आपको, कंपनी आने वाले समय में अपना जो हाईएस्ट था उसको अचीव करेगी? मुझे तो लगता है कि ज़रूर करेगी, भले ही साल भर लगे, 6 महीने लगें, 2 महीने लगें, इसमें प्रिडिक्शन कुछ नहीं है मेरी तरफ से, और कोई कर भी नहीं सकता। हो सकता है अगले 1 महीने में बहुत अच्छे रिटर्न आपको दे दे, हो सकता है अपने लेवल हाईएस्ट जो था पिछले 1 साल का उसको अचीव करने में कंपनी अभी 1 साल और लगा दे, लेकिन मुझे उम्मीद ज़रूर है ऐसी कि अपने हाईएस्ट को भी अचीव करेगी, और हो सकता है आने वाले समय में जो दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनियाँ रिटर्न देती हैं ना बनाकर,
उसके बगल में खड़ी हुई दिखाई दे सकती है आपको। गारंटी कोई नहीं देगा, एक हिडन रिस्क आपको मार्केट में हमेशा रहता है और वो रिस्क आपको उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, रिस्क कहाँ नहीं है? क्या प्रॉपर्टी के रेट डाउन नहीं होते कभी? क्या गोल्ड के रेट डाउन नहीं होते कभी? गोल्ड में तो और ज़्यादा रिस्क रहता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, सारी चीज़ों में रिस्क है। लेकिन वो कैलकुलेटिव रिस्क लेना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। आपकी कैलकुलेशन यदि स्ट्रॉन्ग है पहले से कि यहाँ पर मैं अपना मनी जो पार्क कर रहा हूँ, चाहे तो वो स्टॉक मार्केट में हो गया, गोल्ड में हो गया, प्रॉपर्टी में हो गया, रियल इस्टेट में हो गया, तो वहाँ पर कितना कैलकुलेटिव रिस्क आप ले सकते हो आने वाले समय में, यदि आपकी प्रॉपर प्लानिंग है तो आप हमेशा अच्छा जो है उसमें रिटर्न भी पाओगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे लगे, आपको कौन कौन सी चीज़ें समझ में आई हैं यहाँ पर? यदि वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।